DragonJosh.com के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में बजट पेश किया और बजट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए वो क्या क्या बातें हैं वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो कि बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा बताई गई थी। तो ये बजट 2022 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यानी कि की पॉइंट्स थे उनको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया। अब उनके भाषण में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए उनके द्वारा ये वही पॉइंट्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर एक सेक्शन के लिए, हर एक पॉइंट के लिए अलग से आपको आर्टिकल वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट आपको एक हम बता रहे हैं कि क्या क्या भाषण में कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में पढ़ाई को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ास करके जो विलेज में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं बच्चे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वन क्लास वन टीवी चैनल को जो अब 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल्स करने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। वहीं पर मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। ये बहुत कम आपने देखा होगा कि किसी बजट में शायद ही इसका जो है उल्लेख किया गया हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि साल 2022 और 23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा, साथ ही साथ इसके अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किए जाएगी। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाश मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 और 2023 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से रसायन और कीटनाश मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाया जाएगा, उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी, साथ ही साथ भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर जो है रूप से काम किया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है, साथ ही साथ गंगा के किनारे बसे किसानों को मदद भी दी जाएगी। गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच तथा लक्ष्य को बढ़ावा मिला है। बजट से किसान और युवाओं को फायदा होगा, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है अपने भाषण में। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा और किन मुद्दों पर बात हुई? आने वाले वर्षों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 नई वंदे भारत ट्रेनें को जो है लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंधन किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 वर्ष की बुनियाद मिलेगी। यानी कि उन्होंने ये पॉइंट को ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि दूरदर्शी इस बजट को बताया कि 25 साल अगले 25 साल के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मार्च पर चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद देश में कोरोना काल से निपटने के सटीक उपाय किए गए हैं। लोग अब 2 साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि जो स्लैब्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन
सालों से इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, 2014 से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं और इस बार भी यानी कि 2022 के बजट में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब्स की बात करें जो कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में गलती है तो उसमें आपको छूट दी जाएगी, ये 2022 के बजट में कहा गया है, उसमें सुधार करने की आपको रिलैक्सेशन जरूर दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है। बजट में बदले गए टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगता है, जो वो वैसे ही लगेगा, कोई भी बदलाव इसमें नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये था कि 5G के ऊपर बात की गई कि जल्द ही भारत में 5G आएगा, 5G के अलावा और किन किन मुद्दों की बात की गई है तो मैं आपको क्विकली यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स फटाफट से आपको बोल के समझा देता हूँ कि बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चमड़े, कपड़ा, विदेश से आने वाली जो चीज़ें हैं, खेती का सामान है, मोबाइल फ़ोन है, चार्जर हैं, ये सस्ते किए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात हुई है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 30% टैक्स मिलेगा, टैक्स रेट में बरामद संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है, कोऑपरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा, वित्तीय घाटे को 6.4% तक रहने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 नई वंदे भारत रेल आएंगी, 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे, जिसके बारे में हमने इसमें पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे, ऑर्गेनिक खेती को जैसे कि हमने आपको बताया बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मॉडल जो है मोड को उसकी योजना शुरू की जाएगी और 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी भारत सरकार की तरफ से। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जागरणजोश.com।